नमस्कार, हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। केजीएफ चैप्टर 2 इस साल यानी 2021 में रिलीज़ नहीं होगी। अगर ऐसा उन हेटर्स लोगों को लगता है और इस वजह से वो लोग खुश हो गए तो उनको इतना ही कह दूँ कि टेंशन मत लो, तुम्हारा बाप आने वाला है, लेकिन ये अब 16 जुलाई को नहीं आएगा, बट ये हमें एक हफ्ते के अंदर पता चल जाएगा क्योंकि तुम्हारे अब्बा यानी कि तुम्हारे डैडी, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए कब आने वाले हैं। फिलहाल तो रूमर्स यही है कि मूवी मेकर्स अब दशहरे के दिन ये पर्टिकुलर मूवी को रिलीज़ करना चाहते हैं, क्योंकि मेन रीज़न ये कि हमारे इंडिया में कोविड की जो सिचुएशन है, जिस वजह से अभी मई का मंथ चल रहा और ये मूवी जुलाई 16 को रिलीज़ होने वाली थी, तो ऑब्वियसली कोई गधा भी बता सकता है कि तीन महीने के अंदर कोई भी थिएटर्स इंडिया में नहीं ओपन होने वाले। सिचुएशन तो इतनी ख़राब है कि ये 3 महीना कब 6 महीने में चला जाएगा किसी को घंटा भी पता नहीं चलने वाला। तो इस हिसाब से केजीएफ चैप्टर 2 जो कि हमारे इंडिया की सबसे बड़ी मूवी है और मेकर्स को पता है कि ये मूवी आराम से 1000 करोड़ तो इजीली कमा लेगी विद इन फर्स्ट वीक, तो इसी वजह से वो लोग नहीं चाहते कि ये पर्टिकुलर मूवी ओटीटी पे रिलीज़ हो और उनका जो एक प्रॉफिट वाला मार्जिन है वो ख़त्म हो जाए। और केजीएफ चैप्टर 2 प्रॉफिट तो छोड़ो, ये उन मूवीज़ में से एक है हमारे इंडियन सिनेमा की जो सिर्फ थिएटर एक्सपीरियंस के लिए बनाई गई है, और जो फैंस हैं वो लोग भी नहीं चाहेंगे कि ये मूवी ओटीटी पे रिलीज़ हो, तो इस वजह से ये मूवी डिले होती जा रही है। और अब फाइनली इसके रिलीज़ डेट कन्फर्म नहीं हुई है, लेकिन जहाँ तक सबको पता है कि ये मूवी दशहरा पर ही आएगी, लेकिन मुझे तो इम्पॉसिबल लग रहा है क्योंकि यार अगर ये मूवी पीछे हटती तो फिर इसके बाद जो दूसरी मूवीज़ है वो लोग भी आते हैं यार, वो लोग भी सोचेंगे ना कि उनकी मूवीज़ को उनको रिलीज़ करना, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और अगर सब लोग अपनी बड़ी बड़ी मूवीज़ को डिले करते जाएंगे तो फिर जो उनकी आने वाली मूवीज़ या उसके बाद जो बन रही मूवीज़ है वो सारी की सारी आपस में क्लैश होगी, और ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पॉसिबल लग रहा। तो अब देखते हैं कि यार केजीएफ चैप्टर 2 वाकई में इस साल रिलीज़ होगी या नहीं होगी, वो भी अंदाज़ा नहीं है। फिलहाल तो बस होप ही कर सकते कि अच्छी न्यूज़ सामने आए, सुनकर हम लोग खुशी मना सके। और एक अपडेट आई थी 2 दिन पहले कि केजीएफ चैप्टर 2 के जो रन टाइम है वो ऑलमोस्ट 3 घंटे के होने वाली है, और जिसको नहीं पता तो मैं बता दूं कि जो फर्स्ट पार्ट आया था उसकी जो रनिंग टाइम था वो 2 आवर्स 34 मिनट और कुछ सेकेंड्स थे, लेकिन इस बार रन टाइम इसलिए ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि मैं आपको चीज़ बता दूं कि रॉकिंग स्टार यश के सामने अब संजू बाबा यानी कि संजय दत्त और ऑब्वियसली अधीरा का जो कैरेक्टर है, हमें वो पार्ट 1 में इतना बिल्डअप या उनके बारे में इतनी सारी चीज़ें नहीं बताई थी। ऑब्वियसली पार्ट 2 में मेकर्स चाहेंगे कि पहले अधीरा के कैरेक्टर के अंदर का जो भौकाल है उसको क्रिएट करना। फॉर एग्जांपल आपने एवेंजर इन्फिनिटी वॉर देखी थी तो उसमें कैसा थैनोस इंट्रोड्यूस हुआ था सबसे पहली बार, हालांकि उससे पहले भी हमने एमसीयू की मूवीज़ में थैनोस की एक झलक भर देखी थी, लेकिन इन्फिनिटी वॉर में हमें वो फुल टू नज़र आया था, तो ऑडियंस जो है उनको उसके अंदर का जो खौफ है वो किस लेवल का विलेन है वो मेकर्स को बताना था। तो इसलिए कहीं ना कहीं इन्फिनिटी वॉर में थैनोस एक मेन हीरो था और स्क्रीन टाइम उसका सबसे ज़्यादा था, तो इसी हिसाब से जब अधीरा को यहाँ पर वो लोग प्रेजेंट कर रहे हैं, अधीरा इतना खूंखार इतना ख़तरनाक है और रॉकिंग स्टार यश के सामने वो किस लेवल का हमें नज़र आएगा या एकदम वो टक्कर का है भी या नहीं, तो उसको प्रेजेंट करने के लिए उनको थोड़ा रनिंग टाइम चाहिए, थोड़ा उसके बारे में इतनी सारी चीज़ें दिखानी है यहाँ पर मेकर्स को कि उससे ऑडियंस को भी ये हो जाए कि हाँ यार ये है टक्कर का, रॉकी भाई के सामने इस बार वाकई में एक टक्कर का आदमी खड़ा है, क्योंकि इससे पहले रॉकी भाई ने हर किसी को मसल के रख दिया, तो अधीरा को मसलना इतना आसान नहीं है, तो वो मेकर्स को यहाँ पर ऑडियंस को बताना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इस वजह से उसका रन टाइम है वो हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा, और ऑब्वियसली क्लाइमेक्स में जब अधीरा और रॉकी भाई आमने सामने हो गए तो वो क्लाइमेक्स के रन टाइम को भी एटलीस्ट इतना तो रखना पड़ेगा, कम से कम 20 से 25 मिनट, ताकि ऑडियंस पूरी तरह से एक अलग जोन में चले जाए और वो फुल्ली सेटिस्फाई होकर निकले कि हाँ हमने जो एक क्रिएट हुई थी तो उस लेवल की हाइप वाली चीज़ें देखी भी है। तो कहीं ना कहीं मेकर्स का जो ये रन टाइम वाला जो डिसीजन था 3 घंटे करने का वो बहुत ही परफेक्ट है, और लेकिन हाँ ये भी अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन आप लोग ऐसा मान के चल सकते हो कि ये हमें ऑलमोस्ट 3 घंटे की नज़र आएगी। और फाइनली मैं आपको इतना ही कह दूँ कि जो 16 जुलाई की जो रिलीज़ डेट है इसको पोस्टपोन करने का जो मेकर्स का डिसीजन था मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, और मेरे हिसाब से केजीएफ चैप्टर 2 को आप अपने टाइम लेकर आप अपने हिसाब से रिलीज़ करो, जब ये सारी सिचुएशन ख़त्म हो जाएंगी, थिएटर्स में पूरे 100% कैपेसिटी हो जाएगी यानी कि सारी की सारी ऑडियंस आ सकेगी, भले वो 2022 ही क्यों ना हो, हम लोग तब तक वेट करें क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस है जो हम थिएटर्स में ही फील करना चाहते हैं। तो यार बस इस वीडियो में इतने, अगर आप उन ऑडियंस में से एक हो जो वाकई में केजीएफ चैप्टर 2 मूवी को सपोर्ट करो, पसंद करते
तो आप चाहते हो कि ये थिएटर्स में ही रिलीज़ हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको क्या लगता है कि मेकर्स का डिसीजन इस मूवी के रिलीज डेट को पोस्टपोन करने का वो सही है या गलत है, और मूवी की जो 3 घंटे की रन टाइम है जो कि खबर निकल कर आ रही है, तो इस पर भी मेकर्स का जो डिसीजन है वो एज एन ऑडियंस आपको कैसा लगता है और आप लोग कितने एक्साइटेड हो रॉकी भाई और अधीरा को आमने सामने देखने के लिए, वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।